पुतिन ने जिस तरीके से न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने को कह दिया है, स्टैंडबाय मोड पर रहे न्यूक्लियर फोर्सेस, इसका मतलब समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि एटमी हथियारों का इस्तेमाल बेहद असाधारण है। और एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में भी ये बात कह रहे हैं, क्यों एटमी हथियारों का इस्तेमाल तैयार रहने के लिए कहना, इसको लेकर करूंगी सवाल। डॉक्टर सिंह, अब ये बयान भी समझा दीजिए, जब ये बात कही जाती है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में करेंगे, आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल होगा नहीं, ये साफ है, लेकिन इस तरीके से महज प्रोजेक्शन किया जाना, क्या उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है? सुरभि, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, आप बार बार कह रहे हैं कि युद्धाभ्यास जो होते हैं या जो तैयारियां होती हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, या फिर जिस तरह से न्यूक्लियर अभी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, इन सब में आप एक चीज क्रोनोलॉजी देखिए, तो वो देश अभी पिछले 3 सालों से युद्ध में इन्वॉल्व है और उसके सामने बार बार कहा जाता है कमजोर यूक्रेन है जिसके सामने रसिया वार कर रहा है, लेकिन कमजोर नहीं है। यूक्रेन के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो खड़ी है? आज यूक्रेन तो ढाल बना हुआ है उन ताकतों का जिसका रसिया के साथ कभी अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, जैसे नेटो, मैं बोलूं यूएस लेड नेटो। तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्या अपना ओरिएंटेशन है, किस लिए वो टेस्ट कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं बार बार कि अगर हमारी संप्रभुता पर या सुरक्षा पर किसी तरह कोई खतरा मंडराता है या खतरा उभरता है तो उस स्थिति में हम परमाणु हथियार का प्रयोग करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो उनका कहीं ना कहीं बिंदु एक ही है और ये बिंदु ऐसा नहीं कि वो रसिया कह रहा है। आप देखिए दुनिया के तमाम ऐसे देश, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सभी इस तरह के तर्क देते हैं कि सुरक्षा और संप्रभुता उनके लिए सर्वोपरि है। सर, वो तर्क उस ऐसे देते हैं, बात सही है, लेकिन यहाँ तो पिछले कई सालों से जारी युद्ध के बीच अगर ये संकेत मिलते हैं तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं? सवाल उसी आधार पर, क्योंकि खबर जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही राठौड़ सर से चर्चा करते हुए, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से ही तो पुतिन नाराज है, और रूस के अंदर हमला तो न्यूक्लियर हमला मुमकिन है, यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार परमाणु क्षमताओं में हो रहा इजाफा और परमाणु ड्रिल को लेकर आ रही तस्वीरें ही एक सबसे बड़ा संकेत नहीं मानी जाएंगी? अब पुतिन की ये परमाणु धमकी जिससे पश्चिमी देशों में टेंशन, इस बारे में और सवाल करने से पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से पुतिन की नाराजगी को लेकर खबरें आती रही हैं, और रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बदलाव, रूस के अंदर हमला तो न्यूक्लियर हमला मुमकिन, और मिसाइल हमले का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा, और परमाणु संपन्न देश के सहयोग से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा, भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश क्यों ना हो। अब रूस की रणनीति के तहत ही अगला सवाल होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के अपग्रेडेशन पर जिस तरीके से रूस फोकस कर रहा है, एटमी हथियारों का इस्तेमाल संप्रभुता की रक्षा का ही अंतिम उपाय माना जाएगा। राठौड़ सर, अब ये अपग्रेडेशन भी तो एक और बड़ा संकेत है कि हमारी न्यूक्लियर क्षमता को आप टेस्ट करने पर सवाल तो उठा नहीं सकते, लेकिन आज के हालात में जब यूक्रेन का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर होते हुए ही अमेरिका इस हद तक उसे सहयोग कर चुका है कि नेटो देश भी इस बात का दबाव बनाते आए हैं कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा करना अब जरूरी है। देखिए, जेलेंस्की की यह डिमांड है लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये है कि हाईमार्स के रॉकेट्स दिए जाएं जो कि हम रूस में फायर कर सकें। तो ये चीज़ कल मैं बाइडेन को सुन रहा था, उन्होंने एक बार फिर कहा, लेकिन रेफरेंस ये दिया कि अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स आएंगे तो हमें जानबूझ के उनको परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ सिचुएशन आती है, पुतिन ने इसको मॉडरेट करने की कोशिश की है अपने एड्रेस में कि हम लास्ट रिसोर्ट पे के तौर पे करेंगे, संप्रभुता पे कोई खतरा आएगा, आँच आएगी तो करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक कन्वेंशनल मिसाइल अगर आपकी तरफ तान दी जाए तो आप उसके जवाब में न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे। तो बात तो यही आती है कि ये एक तरीके की फ्लेक्सिंग है, पोस्चरिंग है, थ्रेट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें भी पता है कि वो इतना बड़ा कदम नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, इवन इफ दिस इज अ प्रोजेक्शन, तो मिस्टर सर अब जरा ये तस्वीरें भी मुझे समझा दीजिएगा। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, और ये रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का एक और वीडियो सामने आया। सर, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तो ये भी तो साफ हो गया ना कि यहां पर ड्रिल में ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो सीधे अमेरिका को भी टारगेट कर सकती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिस्टर सर। और देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि ये मसल फ्लेक्सिंग है, कोई शक ही नहीं है, और ये जो एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस द्वारा दर्शाया जा रहा है। देखिए, ये थ्रेट सिर्फ थ्रेट का वो दिखाना है। आप मेरे को बताइए, कल अगर रशिया ये
यूक्रेन को ये लॉन्ग रेंज वेपन्स मिलते हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, और वो वहाँ के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पे डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई वजह नहीं है कि ये वहाँ पर रूस न्यूक्लियर वेपन्स या लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स को फायर करेगा। क्यों करेगा? वो तो पूरा ये जो अभी ब्रिक्स की समिट हुई है, सारे देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इंडिया क्या सपोर्ट करेगा? रशिया, ये चाइना, ब्राज़ील, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, साउथ अफ्रीका वगैरह। और मैं तो एक सवाल उठाता हूँ, बेसिक सवाल, रूस में अगर इतनी काबिलियत है तो ये लड़ाई क्यों नहीं वो जीत सकता है? इतने 3 साल से लड़ रहा है। नॉर्थ कोरियन एक तकरीबन ब्रिगेड के ट्रुप्स मंगवा के उनको लड़ाना, उससे पहले भारतीय हमारे कितने सिविलियन लोगों को गुमराह करके इमिग्रेशन के जरिए उनको वहाँ भेजा गया है। जो बात आप कह रहे हैं उसी लिहाज से आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी। उनके पास इतनी काबिलियत होनी थी लड़ने की। और इतने सालों में आप इतने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं कि आप गवर्न करने के लिए रेडी नहीं है।